हे गाइस, आई होप आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा चल रहा है एआई के लिए। तो एआई का एटीसी का लास्ट वीडियो है हमारा, ठीक है। मैं अब तक 135 क्वेश्चन करवा चुका हूँ प्रीवियस ईयर का फिजिक्स का। ये आज लास्ट सेशन है, 15 क्वेश्चन और करवाऊंगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और एआई एटीसी का हमने अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है एआई एटीसी का। और इसका प्राइस हमने फर्दर डिक्रीज करके कितना कर दिया, 99 रुपीज। अगर आपको बाय करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाय कर लीजिएगा, ठीक है। सारे फीचर इतना जनरल इन जनरल मिलते हैं, सारे फीचर हमारे टेस्ट सीरीज में है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट इज 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास दे रखा है। दिस फील्ड इज टू बी एनुअल्ड बाय मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कंडक्टिंग लूप, रेडियस इतना दे रखा है। करंट रिक्वायर्ड आई हमें निकालना है। तो हमारे पास इस केस में फॉर्मूला क्या आता है, बी इज इक्वल टू म्यू एन आई अपॉन क्या आता है, टूर आता है। ये सर्कुलर जो होता है ना, सर्कुलर, ये इसकी वजह से इस तरह का फॉर्मूला होता है। एन यहां पर क्या हमारे पास, वन है, राइट। अब बी इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू आई बाई टू आर। हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। आई इज इक्वल टू क्या आ गया, टू बी आर बाई क्या आ गया, म्यू। अब टू बी हमारे पास कितना दे रखा है, 0.5। आर कितना हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। मीटर में करेंगे, 5/100 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 0.05। डिवीजन म्यू, म्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 4π × 10⁻¹⁷, राइट। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, लगभग 0.4 एम्पियर आएगा इसका आंसर, राइट। सो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 में चलते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन ए बी सी सी स्ट्रक्चर, इसमें देखिए बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं, बी सी सी होता है, एफ सी सी होता है, राइट। तो ये सारे स्ट्रक्चर के डेफिनेटली आप बहुत सारी चीजें क्या कर रखें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा, खास करके पैकिंग फ्रैक्शन, राइट। ये सारे याद रखना है आपको थोड़ा सा, ताकि इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। सो इस बी सी सी स्ट्रक्चर में जो पैकिंग फ्रैक्शन, अगर शॉर्ट में लिखे पी एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स, राइट, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीपल वॉल्यूम ऑफ एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितना है, 2 आएगा। वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा, 4 पाई आएगा इसमें, राइट, 4/3 πr³ बाय हमारे पास क्या आता है इसमें, वॉल्यूम ऑफ सेल क्या आ जाएगा, 4r√3। और इसका क्या होता है आपका, क्यूब आता है, राइट। सो ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है, अगर आप याद रख सकते हैं इसको, याद रखिएगा, π√3/8। इसको याद रखना है आपको, रिजल्ट को, π√3/8, मतलब ऑप्शन 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 138। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हेमिस्फीयर इज कितना होगा। ये फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला याद है तो लिख सकते हैं कितना होता है, σ/4ε₀ होता है इस केस में, हेमिस्फीयर केस में। सो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139। व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए रेनफॉल ऑफ हाइट 500 मीटर्स। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 10³ कैलोरी केजी, 1 जूल इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 1 जूल आएगा, खाली 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 4.2 जूल, ना ना, जे इज इक्वल टू, अरे क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू दिस। सो जे इज इक्वल टू क्या हमारे पास, 4.2 जूल पर कैलोरी, इसमें कुछ गड़बड़ी लग रहा है, ये जो जे इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। सो हम यहां पर कैलकुलेशन करते हैं क्वेश्चन को। आए तो डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द रेनफॉल ऑफ हाइट, ऊपर और नीचे क्या होगा। तो हमारे पास देखिए हीट एनर्जी क्या होता है हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू, हमें पता अच्छा फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू mc∆T। सी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है हमारे पास, राइट। और ये वाटर बोला है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सीपी आ जाएगा, राइट, स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम नहीं आएगा, राइट। और हमें पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं यहां पर, बिकॉज फॉल हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर काम करेगा। एम जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mc dt। अब देखो ये जो m है, ये m एक दूसरे को क्या करेंगे, खा जाएंगे,
सो हमारे पास जी आ गया, जी हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, नहीं जब दे रखा था क्या करना है, 9.8 लेना है। एच हमारे पास क्या है, 500 मीटर है। इज इक्वल टू सी क्या आ जाएगा हमारे पास, 1000। सी पी आ जाएगा इस बिकॉज ऑफ वाटर है, राइट, ये सी पी आएगा बिकॉज वाटर है। सो ये कितना आ जाएगा, 1/2 ऊपर आ जाएगा, मल्टीपल 2 से मल्टीपल कर देंगे, लगभग कितना आ जाएगा हमारे पास, फिर इसका मतलब क्या आ गया, कितने आ गए। और अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, फॉर आपका ये जो जूल ये बता रखा है यहाँ पर, राइट, ये जो यहाँ पर केस आएगा, तो यहाँ पर हमें मल्टीपल कितना करना पड़ेगा, अगर स्पेसिफिक हीट को लेना है हमारे को जे के टर्म में, तो मल्टीपल यहाँ पर करना पड़ेगा 4.2 से, बिकॉज 4.2 यहाँ पर दे रखा है किस्सा, राइट। स्पेसिफिक हीट ये इसका 1000 मल्टीपल करेंगे तभी बात बनेगा, बिकॉज ये क्या है, किलो 10 कैलोरी केजी है, तो इसको अगर मल्टीपल करेंगे इसके साथ तभी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कैलोरी केजी है, इसको मैं थोड़ा मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कैलोरी कैलेंसर जगह ये जूल अगर केजी कैलोरी को मल्टीपल करते हैं, जूल पर कैलविन आ रहा है, राइट। सो कैलोरी कैलोरी कैंसिल हो गया, जूल कैलविन स्पेसिफिक हीट जूल पर केजी होना चाहिए था, राइट। हाँ, एक कैलोरी पर केजी आएगा तभी एक बात बनेगी, कैलोरी पर केजी आएगा तभी बात बन जाएगी, या मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये केस हमारे पास कितना आएगा अगर मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर 4.2 आ गया, 9.8 आ गया हमारे पास। और ओके, अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं फर्दर, हमारे पास कितना आता है, डी टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 9.8 मल्टीपल 500, दोनों मल्टीपल कर देंगे, 4200 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास 4900 by 4200, मतलब 49/42, यानी कि 1 point something आएगा, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा करेक्ट आंसर, हमें और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 140, एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना एमिटेड बाय सोडियम वेपर लैंप इज, कितना है एनर्जी वो निकालना है। देखो हमारे पास कहता है एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लैमडा, तो वेवलेंथ दे रखा है हमारे पास कितना, 5859 एंगस्ट्रॉम 10^-10 आ जाएगा, राइट। ये आ गया हमारे पास, और ठीक है, 5859 एंगस्ट्रॉम 10^-10, ये गायब हो गया, पता नहीं कहाँ। हमारे पास क्या था, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एच हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 × 10^-34 जूल सेकेंड होता है, एच सी, सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10^8, राइट, 10^8 आएगा मीटर पर सेकेंड। डिवीजन हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा, लैम्डा क्या आता है हमारे पास, 5890 एंगस्ट्रॉम 10^-10, कैलकुलेशन करना है फर्दर, तो आंसर हमारे पास 2 point something आएगा, 2.1 क्या आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ऑप्शन 3 क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। सॉल्व सॉल्व कर देख लीजिएगा, मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 141, टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड टू ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शन लेस सर्फेस एज शोन बिलो, इफ बोथ द स्प्रिंग हैव ए स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक, फ्रीक्वेंसी कितना होगा ऑसिलेशन का हमें निकालना है, राइट। तो हमारे पास कुछ नहीं करना है, हमें बड़ा सिंपल काम करना है, राइट, ताकि हमारा मतलब कोई इसमें और दिमाग लगाना नहीं हमें, राइट, बहुत सिंपल काम करना है। तो यहां पर पहली बात, ये दोनों किस में है हमारे पास, पैरेलल में है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2K मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, 2K आ जाएगा, इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितना आ जाएगा, 2K आ जाएगा हमारे पास, ये तो हमें समझ में आता है। और फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी लेते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1 by 2 pi रूट अंडर के अपॉन एम होता है, यहां पर स्टिफनेस क्या है, 2K है, इनकी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप देखेंगे ऑप्शन 3 क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, बिकॉज जब ये पैरेलल में होता है स्प्रिंग, तो स्टिफनेस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, राइट। अगर सीरीज में तो क्या करेंगे, 1 by करके कर देंगे, ये मैकेनिकल वाइब्रेशन क्वेश्चन है, यहां पर आ गया था, राइट, मैकेनिकल इंजीनियर कर सकते हैं इजीली इस क्वेश्चन को, गेट में इस तरह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है।
ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या आता है, 1 बाय e टू द पावर e बाय के टी माइनस 1। अगर हम इसको मैच करवाते हैं तो e बाय के टी माइनस 1 यानी कि ऑप्शन 1 क्या आ जाए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ वेयर रिड्यूस टू हाफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू देन नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर वुड हाफ बीन, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ डेज हमारे को निकालना है। तो हमारे हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लगाना नहीं है, हमें यहाँ पर एक कंसेप्ट लगाना है कि इसको आप बोलते हैं 11th क्लास हम पढ़ते हैं इसको ग्रेविटेशन में भी, आप बीएससी में पढ़ते होंगे, मे भी मुझे मैंने बीएससी पढ़ा नहीं तो बता नहीं सकता आपको। तो हमारे पास क्या एक लॉ है कैपलर्स लॉ, ये बीटेक में नहीं पढ़ते हम, मैंने तो पढ़ा नहीं भाई, कैपलर्स लॉ। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, T1 बाय T2 इज इक्वल टू R1 बाय R2, इधर क्या होता है स्क्वायर होता है, इधर क्या होता है क्यूब होता है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, T2 इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं राइट, यहां पर फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, हम निकालते हैं अगर हाफ कर दिया जाए R1 बाय R2 इज इक्वल टू क्या करते हैं हम 0.5 R1 कर देते हैं और ये कैंसिल हो गया, 0.5 मतलब 10 बाय 5 आ गया, मतलब 2 मतलब 8 आ गया। सो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको ऊपर भेज देंगे सो ये √8 1 बाय 1 √8 मल्टीपल क्या आ जाएगा यहाँ पर T1 आ जाएगा हमारे पास, 1 बाय √8 मल्टीपल T1, और T1 हमारे पास कितना है 365 है, सो 360 बाय √8 आ जाएगा आंसर यहाँ पर। सो यहाँ पर 365 बाय √8 मतलब 8 पावर 1 डिवीजन 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 129, यानी कि T2 इज इक्वल टू 129। टाइम कितना हो जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी शानदार क्वेश्चन है, मुझे बहुत मजा आया था इसको देख के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैक्सवेल इक्वेशन, देखो मैक्सवेल इक्वेशन जो हमारे पास कौन सा नहीं है, इसमें सारा इक्वेशन मैक्सवेल का हम दिखा सकते हैं बट सिवाय एक को, एक कर्ल ई इज इक्वल टू कर्ली टी, ये मैक्सवेल इक्वेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 145, देखो जो फॉर्मूला है वो तो याद करना पड़ेगा, उसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन 10,000 एंगस्ट्रॉम एंड 10,020 एंगस्ट्रॉम, तो यहां पर निकालने के लिए हमारे पास क्या है, क्या निकालने वाले, नंबर ऑफ मोड्स। तो नंबर ऑफ मोड्स एन इज इक्वल टू क्या होता है 8 पाई d लैम्डा, डिविजन क्या आता है λ^4। देखो 8 पाई हमें पता है राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। डी लैम्डा मतलब क्या, डिफरेंस इन क्या आपका दोनों आपके पास जो वेव लेंथ है, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर 20 आ जाएगा, और 20 मल्टीपल क्या आ जाएगा 10^-10 होगा बिकॉज एंगस्ट्रॉम में है। डिवीजन λ^4, लैम्डा क्या होगा दोनों का क्या हो जाएगा आपका एडिशन करके 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब क्या आ जाएगा 1 0 0 1 0 मल्टीपल 10^-10, डिवीजन क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। फर्दर कैलकुलेशन करिएगा और मुझे आंसर बता दीजिएगा कमेंट में इसका आंसर कितना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 क्या बोला गया है, द कलर सीन इन द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम ए थीन फिल्म आर ड्यू टू, रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम ए थीन फिल्म किसके वजह से होता है, ये इसलिए होता है किसके वजह से, इंटरफेरेंस के वजह से। डिस्पर्सन में क्या होता है, ऐसे डिस्पर्स होता है, डाइफ्रेक्शन और पोलराइजेशन, ये आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ काफी सारे वीडियोज में इनके क्वेश्चन आए थे तो इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 147, टू कॉइल्स ईच ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल, इंडक्टेंस एल होता है रेजिस्टेंस आर होता है राइट, कैपेसिटेंस सी से डिनोट करते हैं। आर यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पहले काफी बार ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एआई पॉइंट ऑफ व्यू, तो हो सकता है आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आर क्लोजली वाउंड सीरीज सच दैट द सेंस ऑफ देयर वाइंडिंग इज अपोजिट, द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना होगा, तो इस केस में क्या आ जाएगा, जब इसमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का अपोजिट होता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जीरो होता है बेसिकली इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, इस केस में आपका जीरो हो जाएगा राइट। अगर एक्सप्लेनेशन जानना चाहेंगे तो यहां पर मैं थोड़ा बता देता हूं क्या होता है, जब दो इंडक्शन कॉयल सीरीज में होता है राइट, तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है फर्स्ट कॉयल में नेगेटिव होता है एंड सेकेंड कॉयल में क्या होता है नेगेटिव आ गया, सेकेंड कॉयल में क्या होता है पॉजिटिव होता है। सो जो वाइंडिंग अगर हम दोनों क्या जाएगा अपोजिट टू इच अदर हो जाएगा, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे माइनस एल एक में आ गया और एक प्लस एल आ गया, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो आता है इसीलिए राइट। क्वेश्चन नंबर 148, द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक डायपोल
हैविंग डाइपोल मोमेंट एम एम व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी इज. काफी अच्छा फॉर्मूला पूछा है. हमारे पास क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू क्या होता है, एम मल्टीपल क्या आता है, बी हो जाता है, राइट. तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा अगर इसको लेते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड टर्म में, मतलब वेक्टर टर्म में, तो ऐसे ऐसे इसको लिख सकते हो. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फोर क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर. अगर इसको तरीके से जाना चाहोगे तो क्या होता है हमारे पास, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस इज हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हमारे पास एम आ गया, दिस इज थीटा यू कैन कंसिडर एंड दिस वन इज वट टॉ, राइट. इस तरह से हम कर सकते हैं कार्रवाई, राइट. क्वेश्चन नंबर 149, ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है. द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉयल ऑफ रेडियस ए कैरिंग अ करेंट आई एट एन एक्सियल पॉइंट डिस्टेंस जेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉयल इज. देखो ये फॉर्मूला है, इसको याद जिसको है वही कर पाएगा. तो आंसर इसका क्या आता है हमारे पास, बी आता है करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर लास्ट 150, फिर से लंडन इक्वेशन इन ए स्क्वायर इन ए सुपर कंडक्टर. तो कंडक्टर का बहुत टाइप्स आपको पता है, सेमी कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है, खाली कंडक्टर है, राइट. तो इस केस में हमारे पास जो लंडन इक्वेशन वो क्या आता है हमारे पास, अगर आप देखेंगे इसको, डेल्टा स्क्वायर बी 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 सी स्क्वायर डिविजन 4 पाई n³2, ये हमारे पास लंडन इक्वेशन होता है इस केस में, सुपर कंडक्टर है केस में. ऑप्शन वन क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर. सो गाइज थैंक यू वेरी मच. एआई का एटीसी का टेस्ट सीरीज 19 रुपीज का है, नीचे लिंक है, जरूर बाय करिएगा. थैंक यू मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.